लक्षण अधोलोक के जिन भवन तिनको करहु प्रणाम। संख्या अगणित है कही आगम से यह जान। व्यंतर लोक का कथन अर उनके ही स्थान। तिन सब की चर्चा करें नहीं और कछु काम। ठीक, मंगलाचरण का दो मिनट में भाव देख लेते हैं। जो पिछला अपना मंगलाचरण चल रहा था भवनवासियों के लिए, उसी में ही थोड़ा सा चेंज करके अपन ने नया बनाया है। बाकी तो देखा जाए तो वही है। इसमें देखें अपन, अधोलोक के जिन भवन तिनको करहूँ प्रणाम, वहाँ पर भी यही लाइन थी, अधोलोक के जिन भवन तिनको करहूँ प्रणाम। लेकिन वहाँ जो भाव था, वहाँ भवनवासियों के भवनों में जो जिनालय हैं उनकी मुख्यता थी, तो दूसरी लाइन में लिख दिया था कितने हैं, संख्या 7 करोड़ 72 लाख धाम, कि 7 करोड़ 72 लाख। लेकिन यहाँ व्यंतरों के इतनी नहीं है, व्यंतरों के तो कितनी, संख्या अगणित है कही, माने व्यंतरों के तो असंख्यात चैत्यालय हैं, असंख्यात जिनालय हैं। बोलो, भवनवासियों के तो मात्र 7 करोड़ 72 लाख गिनती के हैं, काउंटेबल हैं, उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन व्यंतरों के नहीं गिन सकते, असंख्यात है, अनकाउंटेबल है। इसलिए यहां कहा संख्या अगणित है कही आगम से यह जान। ये अपन ने तो आगम से जाना है, कहीं अपन ना मन से और ना कहीं गिनने गए थे। गिनने जाते तो भी नहीं गिन पाते। क्यों नहीं गिन पाते? सुप्रीम असंख्यात है। जब असंख्यात है, पहले कह दिया अनकाउंटेबल है, अगणित है, तो कैसे उनका गणित बैठा सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसलिए संख्या अगणित है कही आगम से यह जान। अपन ने तो आगम से जान के असंख्या संख्या मानी है, जानी है। फिर व्यंतर लोक का कथन अर, वहां भावन लोक का था, यहां व्यंतर लोक का कथन अर उनके ही स्थान। व्यंतरों के ही स्थान कहाँ कहाँ हैं ये सब जानना है। तिन की सब चर्चा करें, अपन उनकी सबकी चर्चा कर रहे हैं, नहीं और कछु काम। यहाँ थोड़ा सा शब्द बदल दिया, उसमें था नहीं और कोई काम, यहाँ कर दिया नहीं और कछु काम। क्योंकि जब हम बोलते थे मंगलाचरण तो बीच में से कोई और भी कछु भी बोल देता था, तो हमने चलो उसके ही मन की पूरी कर देते हैं, नहीं और कछु काम। यद्यपि ये बुंदेलखंडी शब्द है, लेकिन ये पुरानी हिंदी में भी चलता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, दोनों तरफ से अपन जान सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं व्यंतर संबंधी पहली कक्षा, लेकिन इसको कक्षा नंबर नाम दिया है 16, क्योंकि देवों की ही चर्चा चल रही है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसका विषय है व्यंतर देव का लक्षण व भेद प्रभेद। किसे कहते हैं व्यंतर? ठीक, देखें कक्षा नंबर 16, व्यंतर देव का लक्षण व भेद प्रभेद। व्यंतर देव का लक्षण, जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास है वे व्यंतर देव हैं, व्यंतर देव कहलाते हैं। किसको कहा व्यंतर? नाना प्रकार के देशों में निवास है, तो यहाँ ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि कोई इंडिया में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई श्रीलंका में, कोई दक्षिण अफ्रीका में, कोई बांग्लादेश में, कोई पाकिस्तान। नाना देश का मतलब नाना प्लेस, नाना स्थान, और नाना का मतलब नाना, वो जो नाना नानी वाले नाना नहीं लगा लेना। यहाँ कौन से नाना सौरभ? यहाँ कौन से नाना? नानी वाले नहीं, कौन से नाना बताओ, उससे क्यों पूछ रहे हो? कौन से नाना? अरे ये तो नहीं बता, कौन से नाना की चर्चा हो रही है? नाना माने अनेक प्रकार, ठीक है, ऐसे वाले नाना लेना है, ठीक है, संभव सागर। तो जिनका नाना प्रकार के देशों में,
निवास है, माने अनेक जगह पर रहते हैं, वे व्यंतर देव कहलाते हैं। अपन भी कहते हैं ना व्यंतर देव, भटकती आत्मा है ना, उनको अपन व्यंतर बोलते हैं। तो देखा जाए तो व्यंतरों को जो अपन कहते हैं भटकती आत्मा, रात में कोई घूम रहा हो तो अपन क्या बोल देते हैं, भटकती आत्मा, व्यंतर घूम रहा है। कई लोगों की आदत रहती ना रात रात भर भटकने की, दिन में सोएंगे और रात को घूमते रहते हैं। आप देखना आपके इधर भी कहीं हो सकता है कोई विद्यार्थी हो कि जो रात को मन हो जाए 2 बजे घूम रहा है। अब क्या कर, पढ़ाई कर रहा हो तो अलग बात, पढ़ाई तो नहीं लेकिन 2 बजे उठ गया कभी भी घूमने लग गया, 3 बजे कभी भी घूमने लग गया, 1-2 बजे कभी घूमने लग गया। तो कई लोग कहते हैं तो कौन है, व्यंतर व्यंतर कहने लग जाते हैं, लेकिन ये कोई व्यंतर का लक्षण नहीं है, है ना, जो बना देते हैं लोग। नाना प्रकार के देशों में रहते हैं, उनका निवास स्थान है, वे व्यंतर कहलाते हैं। ठीक है, देखें होने को तो इस तरह की जो रंग रूप आदि वाले होते हैं, इनके भी वर्ण आदि को अपन जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह के व्यंतर होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी तो सामान्य रूप से देखा, चलिए अब भेद प्रभेद जानते हैं इनके कितने होते हैं। अच्छा, किसी को पता है कितने होते हैं व्यंतर के भेद, बोलो। पढ़ लिए ना कहीं तो पढ़े ही है, इन्होंने कहा 20, इन्होंने कहा किसी, अच्छा 32, चलो 32 की आवाज आ गई, क्योंकि व्यंतर देवान होंती 32, ज्यादातर सबने ही पढ़ा है। 32 तो बाद में होंगे, उसके पहले कितने हैं बताओ, इन्होंने कहा 9, बोलो कितने, 11, कौन बोला 11, क्या बोल रहे 11, आठ, अनेकांत बोला 8, एकदम सही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, व्यंतर के कितने भेद हैं 8, अपन देखेंगे यहाँ। देखें व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं, तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र है, उस सूत्र के आधार से अपन जानने का प्रयास करेंगे। देखिए व्यंतरः किन्नर किम्पुरुष महोरग गंधर्व गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, ये सूत्र है। किस किस को याद है, एक, चलो सभी एक साथ बोल दें, व्यंतरः किन्नर किम्पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ठीक है, ये व्यंतर के 8 भेद कहे, अर्थ देख लेते हैं यहाँ नीचे। ये देखो ये आ गया अर्थात, पहला किन्नर, दूसरा किम्पुरुष, तीसरा महोरग, चौथा गंधर्व, पांचवा यक्ष, छठवा राक्षस, सातवा भूत तथा 8वां पिशाच। ये व्यंतर के 10 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, यहाँ 10 लिखा है लेकिन कितने लिखना चाहिए, 8, 8 है वो 10 लिख गया है, यहाँ 8 कर लेना। ठीक है, 8वां पिशाच ये व्यंतर के 8 प्रकार हैं, यहाँ 8 कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक, तो ये 8 प्रकार के व्यंतर कहे गए हैं। अब हमें ये जो 8 कहे, इन 8ों का अलग अलग लक्षण जानने का प्रयास करना है। देखें कई नाम तो अपन ने सुने, राक्षस सुना है, अपन राक्षस भी ऐसे शब्द सुने हैं, किसको राक्षस बोलते हैं इस तरह से अपन अपने अपने हिसाब से देखते हैं। भूत तो लगभग सभी ने सुना है, राक्षस सुना है, भूत सुना है और पिशाच भी सुना होगा,
किन्नर भी सुना होगा, किम पुरुष लगभग नहीं सुनते कई लोग, महोरक तो किसी को पता ही नहीं होगा, गंधर्व भी नहीं पता होगा, यक्ष सुना होगा, है ना। कुछ प्रसिद्ध हैं कुछ अप्रसिद्ध हैं, लेकिन हम जान लेते हैं तो सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो वे ये आठ जो नाम कहे, अब आठों का लक्षण अपन जानने का प्रयास करते हैं, फिर इनके भी और भेद हैं, और भी प्रकार बनते हैं, वे भी अपन देखेंगे। देखें पहला, सबसे पहला किन्नर कौन कहलाता है? अपने यहां किन्नर कौन कहलाते हैं? जो तालियां बजाते हैं, डिफरेंट टाइप की जो तालियां बजाते हैं भाई, है ना। मैं जिसको अपन सामान्य सरल हिंदी भाषा में नपुंसक कहते हैं, है ना, और दूसरी थोड़ी सी विशुद्ध भाषा में हिंजड़ा बोलते हैं, गुजराती में भी हिंजड़ा हिंजड़ा बोलते हैं कुछ ऐसा, और थोड़ी सी उसमें चले जाओ आड़ी टेढ़ी भाषा में तो कई लोग उनको सिक्सर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छक्का। अब इस तरह के अलग अलग नाम हैं, प्रसिद्ध हैं। बाकी ये जो लोक में जो ऐसा कहा जाता है ये इस तरह के नहीं होते, ठीक है। यहाँ जो किन्नर हैं वो नपुंसक हैं, है ना, लेकिन यहाँ जो किन्नर हैं ये नपुंसक नहीं हैं, या तो ये पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। जो देव हैं वे पुरुष हैं और जो देवी हैं वह स्त्री है, यहाँ नपुंसक वाली बात नहीं होती है। कौन होते हैं किन्नर? जो समतल भूमि से 20 योजन ऊपर विजयार्ध पर्वत है, इसी नाम मन विजयार्ध के नगर में रहते हैं। समतल भूमि से 20 योजन ऊपर विजयार्ध पर्वत, अभी कहाँ है कैसा है ये तो अपन जब मध्यलोक की विस्तार से चर्चा करेंगे तब वहाँ पर विजयार्ध पर्वत भी देखेंगे और उसका विजयार्ध पर्वत का विस्तार भी देखेंगे। अभी तो मात्र इतना ही देख रहे हैं कि भूमि से 20 योजन ऊपर विजयार्ध पर्वत है, इसी नाम के नगर में रहते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणोत्सवों में मांगलिक गीत गाते हुए सेना के आगे आगे चलते हैं। तीर्थंकरों का कोई कल्याणक हो तो उनके कल्याणकों में आगे आगे चलते हैं गीत गाते हुए, अथवा गान में रति करने वाले किन्नर कहलाते हैं। ये सब गाने का इनको शौक रहता है, इसलिए इसी नाम से तो प्रसिद्ध जो वर्तमान में जो किन्नर कहे जाते हैं वे भी गाते रहते हैं घरों घरों में, नाचेंगे गाएंगे फिर पैसा मांगते हैं, इस तरह की बातें इनके होती हैं। और इसी तरह का इन देवों का भी स्वरूप है, इनको भी नाच गाने का शौक रहता है, इनको भी नाच गाने का शौक रहता है। ये प्रमाण है धवला पुस्तक 13 पृष्ठ क्रमांक 391। ये सब धवल पुस्तक के ही हैं, बाकी अन्य अपने तत्वार सूत्र राजवार्तिक श्लोक वार्तिक तलोय पंडती त्रलोक सार सब जगह ढूंढे मिले ही नहीं इनके लक्षण। ऐसे ही है ये, बहुत जगह जगह ही बहुत मुख्यता से कहीं कहीं इनकी परिभाषाएं लक्षण मिलते हैं। आपने यदि तत्वार सूत्र पढ़ा होगा तो इनकी परिभाषाएं नहीं मिलेंगी, पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो मिलना संभव ही नहीं है। बस भेद गिना देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये परिभाषाएं जितनी जितनी मिली वो भी सबकी नहीं मिली, जितनी मिल पाई वो निकालने का प्रयास किया है। इनके भी 10 प्रकार हैं, माने किन्नर तो एक और इनके भी 10 प्रकार, ये भी 10 वैरायटी के, इनके नाम भी शास्त्र में उपलब्ध हैं, तलोय पंडती में सब दिए हैं, लेकिन हमने सोचा अधिक हो जाएगा विषय इसलिए उनके नाम यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि तो आगे आगे के जो भेद हैं उनके भी सबके बहुत सारे भेद हैं, तो बहुत विस्तार होता तो मैंने कहा 8 ही काफ़ी हैं और बस इतना जान लें कि इनके 10 प्रकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा किम पुरुष, कौन होते हैं किम पुरुष? जो प्रायः मैथुन कार्य में रुचि रखते हैं, माने काम सेवन आदि के कार्य में इनकी रुचि होती है, किम पुरुष कहलाते हैं, वे किम पुरुष कहलाते हैं। ये भी धवला पुस्तक में ही है, 13 पुस्तक नंबर 391 पेज पर, इनके भी 10 प्रकार हैं। ये दो हो गए, पहला कौन सा किन्नर,
दूसरा किम पुरुष, फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा महोरग। देखें महोरग कौन होते हैं, जो महाउरग, उरग उरग तो सुना होगा ना शब्द, कहाँ सुना, कहीं पूजन में, जयमाला में, कहीं ध्यान हो, उरग नहीं सुना। बोलो चेतन, उधर से पूछ लिया, तुम्हारा बहुत लंबा कॉन्टेक्ट है, सीधा बताया करो। ठीक है, इन्होंने बता दिया, आया ख्याल में। तो ये उरग, उरग का अर्थ वैसे ही सर्प होता है। तो जिन्हें सर्पाकार रूप से विक्रिया करना प्रिय है, जब भी मन होगा सांप बन जाएंगे कहीं पर भी, माने सीधे व्यंतर बने रहने में, देव बने रहने में रस कम है, ज्यादा रस किस में है, सांप बनने में ज्यादा मजा आता है। तो कहीं पर भी जब भी विक्रिया करेंगे तो सांप बन जाएंगे, उनको ऐसे ही भाव आता है। तो जिन्हें सर्पाकार रूप से विक्रिया करना प्रिय है, अथवा ऐसा भी होता है कि सांप बनेंगे ऐसे भी, अथवा अपने ही शरीर को सांप जैसा बना लेंगे, शरीर वही रहेगा और सर्प के आकार जैसे हो जाएंगे। हो जाते ना कई लोग, वो जो नागिन डांस करते हैं, तो कई लोग ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे हाथ लगा के नाग बन जाएंगे और करते हैं सब लोग। तो इस तरह की इनको सर्पाकार विक्रिया प्रिय है, इसलिए वे महोरग कहलाते हैं। ये धवला पुस्तक 13 का ही है। इनके भी 10 प्रकार हैं, माने इनका डिटेल करें तो बहुत है। चलिए आगे बढ़ें। नंबर 4, गंधर्व। इंद्रादिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं, जो इंद्र की सभा में गाने का काम करते हैं। मन इनमें भी वैरायटी होती है, कोई गाने वाले होते हैं, कोई बजाने वाले होते हैं, सब प्रकार के देव रहते हैं। तो इंद्रादिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं। ये धवला पुस्तक 13 का है। इनके भी 10 प्रकार हैं, 10 प्रकार इनके भी कहे गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, यक्ष। जिनके लोभ की मात्रा अधिक होती है, लोभी होते हैं थोड़े, और जो भांडागार में नियुक्त किए जाते हैं। भांडागार तो जानते होंगे क्या होता है, भंडार, कहाँ, हाँ वो तो है। क्या होता है भांडागार, भंडार वगैरह, गोदाम टाइप का, जहाँ सामग्री होती है विशेष। अथवा आप लोगों ने देखा हो कि कहीं जहाँ पर बहुत सोना चांदी और इस जाति का जो कोष रखा रहता है, तो उस तरह वो उनकी नियुक्ति वहाँ होती है। वे लोभी तो हैं ही, और लो तुम्हारे पास सारा माल रख दिया। जैसे मान लो कहीं देव हों, देवों ने कह दिया तुम्हारा काम ये है कि तुम सारे माल टाल की सुरक्षा करो, तो वहाँ पर सुरक्षा गार्ड बने रहते हैं और पूरी देख रेख करते हैं, और उनको लोभ तो रहता ही है, तो उनके पास सारी सामग्री है। भांडागार में नियुक्त किए जाते हुए यक्ष कहलाते हैं। धवला पुस्तक 13। ये 12 प्रकार के होते हैं, इनके 12 प्रकार हैं। आगे बढ़ें। नंबर 5, 6, राक्षस। राक्षस कौन है, जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है, भीषण भयानक, डरावने टाइप। अपने राक्षस के बारे में जब भी सुना है तो डरावने जो होते हैं, दिखने में अलग टाइप के ही है ना। अब ऐसी अपन तो अपने हिसाब से इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं कि दांत निकले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, काला काला रंग है, आँखें भी ऐसी खुली बड़ी बड़ी सी, ऐसी आँखें घूम रही हैं, इस टाइप की अपन इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं। तो ऐसे ही जिन्हें भीषण रूप विक्रिया करना, डरावनी टाइप की विक्रिया करते रहते हैं, वे राक्षस कहलाते हैं। धवला पुस्तक 13 का ही है। इनके 7 प्रकार हैं। ठीक, आगे 7वां नंबर, भूत। भूत की परिभाषा नहीं मिली, ठीक है, भूत ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। उनने कहा भूत ही मिल गया बहुत है, भूत की परिभाषा से क्या फायदा है। भूत अपने आप में ही एक परिभाषा है,
होता ना कई बार कि किसी का नाम ही उसकी परिभाषा है, उसको परिभाषा से समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने यहाँ संजय जी नाम कहा तो परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, हु इज संजय जी, द डेफिनेशन लाइक जो भी कि वो जो ऐसे होते हैं वे संजय जी कहलाते हैं, बताने की नाम लिया और सब शब्द भाषा भाव अपने आप ही निकल गया। ऐसे और भी कई लोगों के जिन जिन के नाम हैं तो नाम लिया और परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भाव भाषण हो जाए। ऐसे भी लोग होते हैं, सब जगह अलग अलग वैरायटी के हैं। तो यहाँ पर भूत, भूत तो भूत होते हैं, अब उनको कैसे बताएं, तो ऐसी परिभाषा ऐसी अलग से नहीं मिली, लेकिन इनके प्रकार जरूर मिले। ये 7 प्रकार के होते हैं, ये तलोय पंडित की महज इतने प्रकार बताए हैं, ये तलोय पंडित की ग्रंथ के आधार से है, ठीक। और अंतिम 8वां पिशाच, इनकी भी परिभाषा नहीं मिली, लेकिन जो लोक में प्रसिद्ध हैं भूत पिशाच, ये वाले भूत पिशाच नहीं है, ठीक है, कि जो भटकती आत्माएं होती हैं उनको भूत कहते हैं, अपने यहाँ आत्मा भटकती ही नहीं है, इसलिए वो भूत जो लोक में मान्य है वो है भूत, यहाँ भूत नहीं जानना। और जो पिशाच है, ये पिशाच भी जो लोक में प्रसिद्ध हैं वो पिशाच ये नहीं है, ये तो देव हैं। ये 14 प्रकार के होते हैं। इस तरह से अभी हमने इसमें 8 प्रकार के व्यंतर और व्यंतरों की जितनी परिभाषाएं शास्त्रों में उपलब्ध हैं उतनी जानी, और उनके भी कितने प्रकार हैं उनको जानने का प्रयास किया। अब इसमें कुछ विशेष 5-6 बिंदु हैं, ये जरूर जान लें व्यंतरों के संबंध में, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, इन व्यंतरों के विषय में पाई जाने वाली भ्रांतियां, हम क्या व्यंतरों को किस रूप में मानते हैं, वो भ्रांतियां हमारी दूर होना चाहिए इस कक्षा से। पहला, इनको निशाचर मानना ठीक नहीं। कई लोग इनको निशाचर मानते, रात में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जब देखो जब कहीं पर भी पेड़ के नीचे मिल जाते हैं, मकान के पीछे मिल जाते हैं, तीसरी मंजिल पर चढ़ जाते हैं, इस टाइप का, माने कहीं पे भी रात्रि में कहीं पे भी भटकने वाले वो व्यंतर आदेक होते हैं, इस तरह का लोग मानते हैं, यह मान्यता ठीक नहीं है, व्यंतरों का ये स्वरूप नहीं है। नंबर 2, यह किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यह मान्यता ठीक नहीं। कई लोग मानते हैं व्यंतर परेशान करते हैं तो किसी ना किसी के शरीर में घुस जाते हैं, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। एक एकदम सच्ची घटना है, वो 2-5 मिनट में बता देता हूँ। कई लोग जो मानते हैं ना कि व्यंतर शरीर में घुस जाते हैं, अन्य कहीं से आ जाते हैं, तो ये चीज़ हमने जब शास्त्र में पढ़ी कि इस तरह का कोई व्यंतर आदिक देव किसी अन्य के शरीर में प्रविष्ट नहीं करता है, शास्त्र में पढ़ ली बात पक्की हो गई। अब एक बार ऐसी साक्षात घटना घटी, वही बस सुना देता हूँ। एक बार मैं महावीर जी गया था, महावीर जी तो सबने नाम सुने ही हैं, कहाँ पर है, राजस्थान में है, जयपुर से जाते हैं कई लोग, कहीं कहीं अपने अपने हिसाब से जाते हैं। तो वहाँ पर एक बार महावीर जी गए थे, एक दिन के लिए दर्शन करके घूम के आ जाएंगे। तो वहाँ दर्शन किए सब जगह, वहाँ मुख्य मंदिर में और आसपास जहाँ होते हैं वहाँ गए। तो अब वहाँ से लौट के आए और दोपहर में शाम को किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर एक महिला है और महिला को देव आते हैं, उनके अंदर देव प्रविष्ट होते हैं और उनसे जो भी कुछ पूछना हो वो सब बता देते हैं, अपनी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं और अपने बारे में सारी जानकारी देते हैं, जो भी पूछो सब बताते हैं। तो थोड़ी जिज्ञासा तो हुई, लेकिन हमने कहा कि सब फर्जी है, कोई खास दम तो है नहीं, तो ठीक है रहने दो हटाओ चलते हैं अपन, तो एक दिन के लिए आए थे। लेकिन जो साथ में कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अपन को एक बार देखना तो चाहिए क्या है, हमारे सब ऐसे ही बनाते हैं कुछ है नहीं,
नहीं नहीं चलो तो एकदम मान्य है, सारे लोग इकट्ठे होके पहुंचते हैं, तो हम लोग भी चले गए, चलो चलते हैं। वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद एक महिला वहां पे थी अंदर, और सब यहां 15-20-25 लोग बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। कोई ना कोई सूचना देता था, आ गए तो अंदर जो जिसको पूछना हो पूछ लो। तो हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। अब वहाँ पर देखा, वो कहते हैं आधा घंटा घंटा भर निकल गया। कहते हैं आज तो देव आए नहीं, तो अब ऐसा है भाई अब तो कल आएंगे, तो क्या करें भैया, छुट्टी जाओ। तो फिर हम लोग चलो जाओ, कोई मतलब नहीं है। फिर कहते नहीं नहीं अब आई है तो अपन एक बार और थोड़ा कल इंतजार कर लेते हैं। तो सब लोग माने नहीं, तो फिर अपन चलो रुक गए, ठीक है रात और रुक जाओ कल देखते हैं। तो दोपहर तक रुके रहे, कहते आज दोपहर में पक्का आने वाले हैं, इंडिकेशन मिल गया है। चलो पहुंच गए वहां। अब जब वहां पहुंचे और सोचा कि भाई चलो आज तो देव से बात करने का अवसर मिलने वाला है, तो सब कोई ना कोई अंदर जाए और कहते आ गए। और वो लेडी ऐसे ऐसे झूमने लग गई, ऐसे ऐसे झूमी। तो खैर एक बार तो ऐसा लगा कि सही में तो नहीं आ गए, लेकिन ये बात पक्की थी कि आगम से पढ़ तो रखा था कि ऐसे तो कोई आता नहीं है, और वो तो कहते हमारे अंदर आ जाते हैं, अंदर तो आ सकता नहीं। हाँ कहीं कदाचित बाहर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये तो सब बातें बनावटी हैं। चलो एक एक के बाद कोई आए, हमारे ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो क्या करें, चिंता मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम ऐसे ऐसे कर करके निपटाते जा रहे थे सबको। फिर हम लोगों के ग्रुप में कहते हैं यार तुमने शास्त्री की है यार, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं बैठ रहा, तुम लोग बैठो। नहीं 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 बैठ तो जाओ। चलो ठीक है मैं बैठ गया। क्या पूछना है, ऐसा बोली। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पूछना है, मुझे आपके बारे में पूछना है कि आप जो देव आए हो कहाँ से पधारे हो, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन परिचय जानना है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। देखो शुरुआत, हम लोकांतिक जो स्वर्ग है ना, लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग है, कहते हम ब्रह्म स्वर्ग से आए हैं। कहाँ से आए हैं, ब्रह्म स्वर्ग से। मैंने कहा ब्रह्म स्वर्ग में कौन रहता है, देव रहते हैं। मैंने नहीं, कौन से देव, आपको उससे क्या करना, आप अपने बारे में पूछिए। मैंने कहा नहीं मैं तो पहले आपके बारे में पूछूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा आपको नहीं पता आपके बारे में, मुझे पता है आपके बारे में, वहां लोकांतिक देव रहते हैं, पता है आपको। हाँ ठीक है आप, हाँ ठीक है। नहीं नहीं मैं और बताता हूँ आपके बारे में, आपको नहीं पता है तो मैं और बता देता हूँ, वहाँ लोकांतिक देव होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, दीक्षा कल्याणक में आते हैं, और आप तो कल्याणक है ही नहीं और वैसे ही आ गए। मैंने गजब हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं कि ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव, वो भी तो भगवान के दीक्षा कल्याणक में आते, यहाँ तो किसी का दीक्षा कल्याणक है नहीं, आप कैसे आ सकते यहाँ पर। अरे अरे ये सब कुछ ये सब बात मत करो, आप तो अपने काम की बात करो। नहीं नहीं मुझे चलो आप मुझे बताओ कि आपको अवधि ज्ञान है क्या। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर अवधि ज्ञान है तो मैं फिर प्रश्न पूछता हूँ। नहीं नहीं वो ऐसा क्या है, मैं अवधि ज्ञान छोड़ के आया हूँ। मैंने पागल हो नाते हो। नहीं वो कि हमारे जो मुख्य देवता है ना, वो मुख्य देवता हैं, वे आते हैं, आज तो मुझे उनने भेजा है, इसलिए मैं वो अवधि ज्ञान वहीं छोड़ के आया हूँ, और जब वो आएंगे या मैं लेके आऊँगा तब मैं बता पाऊँगा। मैंने कहा सुनिए आप इस सबको बना रहे हो, ये बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप देव होते ना तो मैं सब जानता हूँ आपके यहाँ का, आपको आपके यहाँ का पता नहीं है और मुझे सब पता है, तो आप ये सब नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है, बाकी अपना अपना काम है, आपको जो करना हो करें, और मैं तो जा रहा हूँ और मैं तो जो जो मिलेगा मैं सबको बताऊँगा। तो वो तो लेडी घबरा सी गई, क्योंकि उसकी दुकान चल रही थी, जो भी आता पैसे देता,
और अब मैंने कहा मैं कुछ दूं? नहीं नहीं नहीं, आप तो पधारो, आपको देने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो उधर से अंदर से तो नारियल कह रहे थे कि नारियल लो 20 रुपए का और उधर अंदर चढ़ाओ। हम तो कोई ले नहीं गए, फिर हमने कहा अब चढ़ाऊँ क्या मैं नारियल? नहीं नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं है, वो तो चढ़ाने वाले चढ़ा रहे। ऐसा ऐसा है, माने दुनिया में किस तरह से क्या क्या चल रहा है अपन कह नहीं सकते। ऐसे ही बहुत सारी कपोल कल्पित कल्पनाएं चलती हैं और लोगों को मूर्ख बना बना के और अपनी दुकान चलाते हैं। इसलिए इस तरह की जो धारणा है कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इस तरह की बात ठीक नहीं। चलिए नंबर 3, वे मात्र दूसरों का बुरा ही करते हैं, यह भी ठीक नहीं है। भला भी करते हैं और बुरा कब करते हैं इसकी भी अच्छी चर्चा है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखी है कि व्यंतर देव बुरा भी करते हैं और भला भी करते हैं। ये बात तो सत्य है। कैसे है कि यदि हमारे पाप का उदय हो और देव को उस जाति की कसाय आए, क्या बोले, हमारे पाप का उदय हो और देवों को उस जाति की कसाय आए तो वे हमें परेशान कर सकते हैं। एक पॉइंट, इसका अपोजिट भी कहा, क्या कहा, यदि हमारे पुण्य का उदय हो और देवों को उस जाति का राग भाव आ जाए तो हमारा भला भी कर सकते हैं। दो पॉइंट, ठीक है प्रिंस, पाप का उदय हो और उनको कसाय आए तो बुरा कर देंगे, पुण्य का उदय हो और ऐसा राग भाव आए तो भला भी कर देंगे। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि हमारे पाप का उदय नहीं हो और उनके कसाय भी आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पाप का उदय नहीं है और उनके कितनी भी कसाय आ जाए तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें इतनी दृढ़ता रखना चाहिए कि हमारा यदि पाप का उदय है तो देव नहीं भी आए तो हमारा बिगड़ नहीं है, और हमारा पुण्य का उदय है तो एक देव के ऐसे 50 देव आ जाएं तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, भले ही उनमें कितनी ताकत हो। ऐसा जानकर हमें तो निश्चिंत और निष्फकर और निडर रहना चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से वे बुरा ही करते हों ऐसा मानना ठीक नहीं। अच्छा बुरा करते हैं लेकिन वो अपने उदय के अनुसार, उनके उदय के अनुसार नहीं। नंबर 4, भूत प्रेतादि बाधाओं का व्यंतरों पर सर्वथा आरोप उचित नहीं। कि इनमें भूत प्रेत की बाधा है, इनके अंदर आत्मा आ जाती है, दूसरे की आत्मा आ जाती है, ये आत्मा भटकती रहती, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं, तो ये सब व्यंतरों पर आरोपित कर देते हैं, ये सब व्यंतर ही कर रहे हैं, करा रहे हैं। हाँ, व्यंतर बाहर आकर किसी को दूर से ही कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, उसकी आवाज़ बदल सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसको इतनी ताकत दे सकते हैं कि एक हाथ से पूरा पलंग उठा ले, पूरा उठा दे, डाइस उठा दे, उठा के ऐसा ऐसा उंगली पे घुमाने लग जाए। ऐसा फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी ने, कोई महिला है और उसने ऐसा पूरा पलंग उठा दिया, देखा कि नहीं देखा, ऐसे कई देखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन देखे होंगे और ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और होते भी हैं। माने दूर रह के भी अंतर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन शरीर के अंदर प्रवेश करके कुछ नहीं कर सकते, शरीर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं होते, ठीक है ना। चलिए नंबर 5, ये मांस मदरादि का सेवन करते हैं, यह भी ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं व्यंतर तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा कई लोगों की मान्यता है, लेकिन ये शराब पीना, मांस आदि खाना, इस तरह का ये काम व्यंतरों का नहीं है, क्योंकि व्यंतर तो देव हैं और देव लोगों के इस तरह के कार्य नहीं होते हैं, शराब पीना, मांस खाना। अरे वे तो कुछ खाते नहीं है वैसे ही, उनके तो भूख लगे तो कंठ से अमृत झर जाता है, मानसिक आहार होता है, तो खाने पीने की व्यवस्था उनके कहाँ से बनेगी। इस तरह की मान्यता ठीक नहीं है, ऐसा जाने। और अंतिम 6वां बिंदु, इनके रूप संबंधी कल्पना,
कई लोग ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, कैसी, जैसे गर्दन घूमना, कई लोग कहते हैं उनकी गर्दन ऐसी ऐसी घूमती रहती है, ऐसी ऐसी घूमती रहती है, ऐसी घूम घूम के ऐसी आ जाती है। घुमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वैक्रियक शरीर है, कैसे ही कर दें, लेकिन उनकी घूमती रहती है ऐसी परमानेंट, इस तरह की मान्यता ठीक नहीं। एक पैर उल्टे होना, कई लोग चुड़ैल उड़ैल को मानते ना, देख लेना, चेक कर लेते यार वो पैर उल्टे थे क्या, और यहाँ पैर उल्टे दिखते रहे, माने इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं मनाते हैं। यद्यपि देवलोग ऐसा दिखा सकते हैं, पैर उल्टे होना, गर्दन होना, ऐसी घूमना, लेकिन ऐसे रहती ही हो उनकी ऐसा नहीं है। आंखें चमकना, एकदम लाइट लाइट ऐसी जल रही है, दोनों ऐसी टॉर्च, किसान टॉर्च जैसी टॉर्च जल रही है, इस तरह की हो, तो इस तरह का ये भी उन पर आरोपित है। कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, वे तो इससे भी कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ही उनकी आंखें होती हैं ऐसा नहीं जानना। उल्टे चलना, पैर उल्टे होना और उल्टे चलना, ये भी इस तरह की अलग लोग कल्पनाएं करते हैं। तो ऐसा अभ्यंतरों के संबंध में अनेक धारणाएं जो मानते हैं, वे धारणाएं, ऐसी धारणाएं मानना ठीक नहीं है। इस तरह से आज अपन ने सामान्य रूप से अभ्यंतर का लक्षण, उनके भेद प्रभेद जानने का प्रयास किया, और साथ में उनके संबंध में होने वाली भ्रांतियों की भी चर्चा अपन ने की है। इसलिए हम अभ्यंतरों का सही स्वरूप जानें और जानकर यथावत श्रद्धान करें, इसी भावना से यहाँ पर ही विराम लेते हैं।